आपको हमने ब्रेक के पहले बताया कनाड़ गांव मड़ेघाट, अब आपको दिखा रहे हैं हम सोनी ग्राम के बारे में। क्या कहते हैं यहाँ के लोग स्थानीय विधायक बाड़ा काशीवाल के बारे में? हम लोग इस वक्त मौजूद है सोनी करके, यह गांव है, यह लगभग लाखन दूर से 12 किलोमीटर दूर गांव है। इस गांव में आए हैं और यह भी जो गांव है यह 62 नंबर की विधानसभा क्षेत्र में गांव आता है। लगभग इस गांव में बाड़ा काशीवार जो विधायक है इस क्षेत्र के, उन्होंने क्या क्या योजनाओं को उन्होंने यहां इस गांव में लाया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने इस गांव का डेवलपमेंट किया हुआ है, इस बारे में हम अभी गांव वालों से चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई गांव वाले जुड़े हैं, मैं उनसे भी ये करता हूँ। क्या नाम है आपका? किशन रामटेके। रामटेके जी, बाड़ा काशीवार जो विधायक है आप उनको पहचानते हैं? नहीं। देखा है कभी उनको? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, वो आपके गांव में कितनी दफा आए हैं? हाँ, क्या बोल रहे हैं? बाड़ा काशीवार जो विधायक है, हाँ। वो उसको आपने देखा है? हाँ। वो आपके गांव में कितनी दफा आए? अरे हमारे गांव में जब से निवड़ू कोई ना, तब से आया तो कोई कैमरा नाटक वाटक का प्रोग्राम तो आता है फीत तोड़ने के लिए, नहीं तो उसका कोई पता जता नहीं है। और ना अपने कोटे से कुछ काम का पैसा दिया, ना किसी को मंदिर दिया, ना कुछ का रोड का काम किया। अच्छा, आपके गांव में रोजगार हमी के काम कितने? अरे 10 दिन होते हैं तो 11वें दिन में बंद हो जाते हैं रोजगार। अच्छा, हमी बेकार बन जाते लोग, रोजगार हमी के काम नहीं चले, नहीं चले। अच्छा, आपके गांव में और क्या साधन है, यानी खेती के अलावा क्या? खेती के अलावा हमारे गाँव में दूसरा कोई साधन नहीं है और उद्योग नहीं है। अच्छा, हमारे गाँव के लोग बेकार है तो बाहर गाँव में जाते हैं बेचारे पेट पालने के लिए, इधर उधर मजदूर के लिए। अच्छा, तो अभी आपके गांव में ऐसा लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है उनके माध्यम से कोई काम नहीं हुए हैं? नहीं हुए। अच्छा, तो वो आपको क्या लगता है, सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? कैसा, यानी वो पॉजिटिव है कि निगेटिव विधायक है, यानी विकासात्मक में? विकासात्मक दिखता ही नहीं ना हमको। अच्छा, हमारे गांव के लोगों को पूछो। अच्छा, तो उसका विकासात्मक कार्य होगा तो कोई भी बोलेगा। अच्छा, ये जो हो गया तो जिला परिषद कोटे से हो गया, मगर आमदार कोटे से किया नहीं ना कुछ। अच्छा, आमदार कोटे से इस गांव का कोई विकास नहीं हो पाया? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रकाश साखरे। साखरे जी, आप काशीवार जी को देखा है आपने? देखा है ना सर। अच्छा, तो वो कितनी दफा आपके गांव में आते हैं? आते तो मंडे के लिए आता है सर। अच्छा, दूसरी बार फिर आते ची नहीं। अच्छा, ये पिछले 5 सालों में उन्होंने कभी आपके गांव में कोई योजना वगैरह, जैसा उन्होंने कोई नाली बांध काम, सड़क वगैरह? नहीं, नहीं, नहीं तो कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया है। जिला परिषद से हुआ है। अच्छा, ये सारे जिला परिषद से ही माध्यम से हुए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो सक्रिय विधायक है कि निष्क्रिय विधायक है? वो क्या जी, कुछ नहीं किया है सर। अच्छा, कुछ नहीं किया है ना, निष्क्रिय विधायक है। अच्छा, क्या नाम है आपका? यादवराव हुमने। अच्छा हुमने जी, बताइए बाड़ा काशीवार इस विधानसभा क्षेत्र के विकास में पीछे रहे कि आगे है? पीछे से रहे। पीछे रहे। अच्छा, वो रास्ते वगैरह जैसा स्थानीय विकास निधि से तो कोई काम आपके गांव में अभी हमें बताया तो वो तो कुछ हुए नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने विकास किया कि नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, केवल आपके गांव में उद्घाटन वगैरह के लिए आते हैं? नाटक के उद्घाटन में आते हैं। अच्छा, उसी के लिए आते हैं आपके गांव में। हाँ, ये थे सोनी गांव के लोग, जिनसे हमने जानने का प्रयास किया कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है बाड़ा काशीवार, वो 62 नंबर की विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और उन्होंने अब तक इस गांव के विकास में कोई भी उनके विकास निधि का योगदान नहीं दिया हुआ है। गांव में जितना भी जो भी योजनाएं चली है या जिला परिषद के यहाँ के जो भी मेंबर हुए उन्होंने वो किया हुआ है, ऐसा गाँव वालों ने हमें बताया। इस गाँव में बेरोजगारी की संख्या काफ़ी है और रोजगार के कोई साधन नहीं है, इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ गाँव नहीं है और यह गाँव में काफ़ी दिक्कतों सामना करना पड़ रहा है। इस गांव में नालियां, सड़कें जो स्थानीय विकास निधि से होती है वो नहीं बनी हुई है। मैं कैमरामैन नीलेश बशीर के साथ निशांत भाई। यही आलम साकोली विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला। इसी तरह हर गांव, हर कस्बे में हम पहुंचे और देखा तो समस्याओं के अंबार लगे हुए थे। आपको अगली बार दिखाएंगे लाखनी के तालुका के कुछ गाँव के बारे में, जहाँ लोग क्या चाहते हैं बाड़ा काशीवार के बारे में। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा विधायकों के साथ हमारा यह प्रोग्राम। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।